आज अवनी और नील एक बार फिर अपने नॉटी रिश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। भाई चल रहा है इनका हनीमून स्पेशल और आज नील बाबू को अवनी को चिढ़ाने का मौका भी मिल गया है। देखिए कैसे सता रहे हैं अवनी को। हाय दिन तेरे बिन अब जी न पाए, दिन तेरे बिन अब जी न पाए, सांस न लेती रात। मैं इनसे गुस्सा हो गई थी, मैं बहुत हाइपर हो गई थी। ये कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कल रात को हमारे बीच कुछ हुआ है जो कि जो मुझे नहीं पता है, तो वही सोच के मैं गुस्से में यू नो उनके ऊपर जैकेट फेंक देती हूँ। लो रखो अपना वापस जैकेट। जब मैं चिढ़ा रहा हूँ इन्हें तो मैं इनसे कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, रूप तेरा मस्ताना सा था, मौसम भी थोड़ा दीवाना सा था, पर हमसे 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 कुछ भूल हो गई। अवनी को पहले तो ये लगा कि नील सच कह रहा है, लेकिन जल्द ही अवनी समझ गई कि ये नील की एक और नई शरारत है। तो भाई अब अवनी की बारी आई नील का दांव नील पर ही आजमाने की। तू थोड़ी देर और ठहर जा। इनकी तबीयत खराब थी तो सो जाती हैं और फिर जो करना होता है वो मैं कर लेता हूँ, I mean, nothing happens, of course. तो जब सुबह होती है तो मैं इन्हें ये बोल के चढ़ाता हूँ कि जो होना था अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और ये पहले तो शॉक्ड हो जाती हैं, फिर जब इन्हें पता लगता है कि मैं भी मजाक कर रहा हूँ तो फिर ये मेरी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करती हैं और मुझे टीज करती हैं। क्या हुआ नील बाबू, आपके तो होश उड़ गए, क्यों पापा नहीं बनना है क्या? देखो अवनी कह रही हैं कि बेबे बहुत खुश होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि टिल्लू का पिल्लू आने वाला है। अभी कहाँ मम्मी पापा। बहुत टाइम है टिल्लू के पिल्लू में। नहीं ऑकवर्डनेस तो जरूर होगी क्योंकि एक तो अवनी को रियलाइज भी नहीं हुआ है कि वो नील से प्यार करती है, तो वो पहले वो समझेगी कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर वो अगर रियलाइज होता है फिर उसके बाद में हिम्मत करेगी कि वो नील तक अपनी बात पहुंच जाए। लगता है बात बन गई, आपका हनीमून मिशन अकम्प्लिश हुआ। पहले तो वक्त ही बताएगा, अभी तक तो 80% पूरा हो चुका है, 20% रहता है। रोमांस इस हद तक जा चुका है कि जो हमारी लड़की है वो बीमार पड़ गई है और उसे अब मैं रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो ना हो जाए। तो भाई देर किस बात की, लेकिन अवनी की हालत हमें ठीक नहीं लग रही, बेचारी को लगता है सच में ठंड लग गई। मुझे रियल में भी इतनी ठंड लग रही है क्योंकि इतनी हवाएं चल रही है और मैं पूरी भीगी हुई हूँ। सोया भाई अपना ख्याल रखिए, अभी तो आपको बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है क्योंकि आपका एक और नया दुश्मन जो तैयार हो गया है। शो में हुई है मानिनी मिश्रा की एंट्री जो दयावंती के साथ अपनी टीम बनाएंगी। सीन हमारा इंट्रोडक्शन सीक्वेंस है जहाँ पर मैं इनसे पहली बार मिलती हूँ और जैसा आपने देखा लोग मुझसे डरते हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये एक एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैरेक्टर है जहाँ पर इनका और मेरा पहला मिलना और ये एस्टैब्लिश करना कि बॉस दोनों टक्कर के हैं। जी हाँ ये है गुरुमा जो दयावंती को उनके गैंग के एक आदमी को छुड़वाने की वजह से आज शुक्रिया अदा करने आई है एकदम धांसू अंदाज में। दो जब बहुत ऐसे लोग मिलते हैं ना तो उनका अपना ही केमिस्ट्री होती है, उनकी केमिस्ट्री होती है, ऊपर से वो कभी आँख हमेशा आँख से आँख मिलाकर बात करेंगे, कभी झुकेंगे नहीं, जिसने पलके झुका ली वो हार गया। अभी शैतान जोड़ी अवनी और नील की जिंदगी में क्या कोहरा मचाती है ये तो वक्त तय करेगा। खैर जो होगा सो होगा, अभी तो नील और अवनी को सारी दुनिया से बेखबर होकर अपने रिश्ते का नामकरण करने दीजिए, गुरु माँ को तो बाद में देख लिया जाए। आज तक भी और